अरे आने देना वीडियो असरा खड़े खड़े देख देख देखना। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सेफ न्यूज लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। दोस्तों, इस समय मीरा भाईंदर से एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है। ये वीडियो है मीरा भाईंदर की विधायक गीता जैन द्वारा मीरा भाईंदर महानगर पालिका के जूनियर इंजीनियर को थप्पड़ मारे जाने का। आप स्क्रीन पर जो वीडियो देख रहे हैं, ये वीडियो वही वीडियो है जिसमें विधायक गीता जैन जूनियर इंजीनियर को थप्पड़ मारती दिखाई दे रही है। दरअसल ये घटना जब घटित हुई तो इस घटना के बाद वीडियो वायरल हुआ और कई लोग अपनी अलग अलग प्रतिक्रिया दे रहे। कुछ लोग गीता जैन की इस कृत्य के लिए उनको कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, तो वही कुछ लोग गीता जैन के पक्ष में भी बात कर रहे हैं। लेकिन अगर बात करें कि इसकी नौबत क्यों आई, गीता जैन ने आखिर इस इंजीनियर को थप्पड़ क्यों मारा, इसकी अगर बात करें तो ये वीडियो आप पूरा देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये वीडियो 1 मिनट से अधिक का वीडियो है और ये उस समय लिया गया जब मीरा भाईंदर महानगर पालिका अनधिकृत बांध काम को तोड़ने गई, बिना नोटिस के गरीबों के मकान को तोड़ने गई ऐन बारिश के वक्त में। हमारे देश की हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का पहले ही क्लियर इंस्ट्रक्शंस है कि बारिश के समय में किसी भी बांध काम को नहीं तोड़ा जाना चाहिए और किसी गरीब हो या अमीर हो उनको बेघर नहीं करना चाहिए। लेकिन मीरा भाईंदर महानगर पालिका जाती है, बिना नोटिस के लोगों का घर तोड़ देती, यहां तक कि छोटे छोटे बच्चों को घरों से निकालकर उनका घर तोड़ा जाता है। तो ये मीरा भाईंदर की विधायक गीता जैन को मालूम पड़ी, तब गीता जैन वहां पहुंची और उन्हीं गरीब लोग जिनका मकान तोड़ा जा रहा था उनके पक्ष में गीता जैन खड़ी रही और वहां जो अधिकारी कार्यवाही के लिए थे उनको वो कह रही थी कि आप बारिश के समय इस तरह की कार्यवाही कर रहे हैं, ये कार्यवाही रूल्स एंड रेगुलेशन के खिलाफ है। तो जब गीता जैन इस अधिकारी से ये बात कर रही थी उस दरमियान वो इंजीनियर खड़ा खड़ा हंस रहा था। तो कहीं ना कहीं गीता जैन जो कि आम जनता के लिए खड़ी थी उनको गुस्सा आया और गुस्से में उन्होंने फिर इस इंजीनियर को थप्पड़ मारी। तो देखना है हम तो गीता जैन का जो कृत्य है, कई अधिकारी को उन्होंने थप्पड़ जरूर मारा लेकिन वह सरकारी अधिकारी कितना निर्लज्ज है और किस तरह से ऐसी कार्यवाही पे एक जनप्रतिनिधि द्वारा अधिकारी को बात करने के समय हंस रहा है और प्रतिक्रिया दे रहा है, ये कहीं ना कहीं गलत है। इस समय महाराष्ट्र की अधिकांश महानगर पालिका में प्रशासकीय राज है, ऐसे में महानगर पालिका अपनी मनमर्जी से अपना राज चला रही है। महानगर पालिका आयुक्त और उनके मातहत सहायक आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्त किसी जनप्रतिनिधि या आम इंसान के बारे में सुनने को तैयार नहीं है। तो कहीं ना कहीं गीता जैन का जो कृत्य है इतना बुरा भी नहीं है जितना लोग बता रहे हैं। और सही माने में ये जो महानगर पालिका के कर्मचारी और अधिकारी है जो बड़ी निर्लज्जता से लोगों के साथ बर्ताव करते हैं उनको एक सिखाया गया सबक है। देखिए ये पूरा वीडियो, अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। मला राइटिंग मध्ये तुम्ही त्यांना दिलं असेल तर दाखवा, तुम्ही काय बोलले त्याच्याशी माझा मतलब नाही आहे। मी हाऊस मध्ये प्रश्न टाकणार आहे, पावसाळ्यात तुमचा जीआर असताना आमचे दोन इंजिनियर जाऊन घर तोडतात, लहान मुलाला बाहेर खेचून फेकतात, अंदर घुस भी असा लोक, अरे काय माणूस की आहे की नाही, राक्षस आहात तुम्ही, एवढी लहान लहान मुलं दिसली नाही तुम्हाला? आता का तोंड असा बंद झालाय, बोला ना, त्या दिवशी ओरडत होते ना, ओरडा नाही बोला, बिल्डर साहेब आ रहे, नाही नाही बिल्डर को भी नहीं जानता, तुम कोर नाही है, तुम कोर नाही है, कोर नाही, कुछ बोल बोल, हसायला येते, हां हसायला येते, मॅडम मॅडम, वो भी था, वो हसराय सलाम नालायक, अरे आने दे ना वीडियो, मैं काल भी था, हसराय खड़े खड़े, फिर फिर पाजा पकड़ा भाई, देख देख देखना।
हमारे चैनल सैफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।